नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक तार को कुछ छोटे टुकड़ों में काटा गया है। प्रत्येक छोटे टुकड़े को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया। यदि सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तार की मूल लंबाई क्या है। ठीक है, उसने कहा कि एक तार है, हमने एक तार बना लिया जिसकी लंबाई अभी हमें पता नहीं है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। ठीक है, फिर जो तार कटा है उस तार से हमने एक, जैसे कि ये टुकड़ा है तो इस टुकड़े से हमने एक वर्ग बनाया और उस वर्ग की भुजा क्या निकली, 2 सेंटीमीटर निकली। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ग हमने बनाए, जो वर्ग हैं उन सभी के क्षेत्रफल को अगर जोड़ा जाए तो कितना आया, 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न ने हमसे पूछा है कि जो तार है उस तार की लंबाई हमें बताइए, कि उस तार की मूल लंबाई क्या थी। ठीक है, पहले तो हमें क्या दिया गया है, छोटे वर्ग की भुजा दी गई बराबर 2 सेंटीमीटर। हम छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दो का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने उस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ऐसे ही सभी वर्गों को मिला के कुल क्षेत्रफल है 28 वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्गों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल भागे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल प्रश्न ने दिया है 28 और हमारा आया है 4 से काटेंगे 7। ठीक है, यानी जो छोटे छोटे वर्ग बन रहे हैं वह कितने बन रहे हैं, 7 वर्ग बन रहे हैं। अब हमें वर्ग तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए तार की लंबाई। अब तार की लंबाई कैसे निकलेगी, जब हमें एक वर्ग का परिमाप पता हो उसमें हम वर्गों की संख्या का गुणा कर देंगे तो तार की कुल लंबाई निकल आएगी। तो हम निकालेंगे छोटे वर्ग का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक वर्ग का परिमाप निकला है 8 सेंटीमीटर और कुल वर्ग कितने हैं, 7, तो तार की लंबाई बराबर 7 हो गए हैं वर्ग और एक वर्ग का परिमाप आया है 8, 8 × 7 = 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तार जो हमारा है उस तार की मूल लंबाई कितनी थी, 56 सेंटीमीटर। इसको काटा गया 7 टुकड़ों में, जो भी पूछा जाए वो सब आंसर अब आप दे सकते हैं। एक वर्ग का परिमाप निकला 8 सेंटीमीटर और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकला 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।